नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है रीट लेवल 2 2018 से संबंधित। न्यायालय ने रीट लेवल 2 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और रोक लगाई है केवल साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स की भर्ती प्रक्रिया पर। तो देखते हैं क्या अपडेट है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के विज्ञान गणित विषयों पर हो रही भर्ती पर न्यायालय ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। विज्ञान गणित के पदों पर अलग अलग भर्ती करने के चलते न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके चलते आज विज्ञान गणित के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। अन्य विषयों के पदों पर भर्ती चालू रहेगी। ज्ञात रहे कि 2016 विज्ञान गणित के पदों पर भी भर्ती जो है उच्चतम न्यायालय में कानूनी दांव पेंच में फंसी है। तो दोस्तों, ये तो एक अपडेट है साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन जिस तरीके से रीट लेवल 2 रीट स्कैम 2018 बन चुका था, जिस स्तर पर इसमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको देखते हुए संपूर्ण प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए और लोग इस पर आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं उठा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी सेकेंड ग्रेड की तैयारी में जुटे हुए हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि वो सेकेंड ग्रेड में क्वालिफाई कर लेंगे या फर्स्ट ग्रेड में क्वालिफाई कर लेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं है और रीट में जो घोटाला हुआ है उसको लेके ज़्यादा सजग नहीं है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स जो इसके खिलाफ कोर्ट में गए, उसके बाद से निरंतर प्रयास चल रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया को रुकवाने के। तो देखते हैं क्या होता है, क्या घोटाला करके 15,000 जो फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हुए हैं, क्या उनको नियुक्ति मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या फिर से कोई जांच होगी इस पे। और जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 130 नंबर 135 नंबर लाने के बाद भी कई स्टूडेंट्स रह गए हैं, क्या उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी, क्या भर्ती प्रक्रिया पर पूरी रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके लिए तो स्टूडेंट्स को खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है या आगे आने वाले एग्ज़ाम भी जिनको देने हैं। तो रीट स्कैम 2018 के लिए हम तो यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएँ और इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शिता आए और सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूरी प्रक्रिया जो अब तक हुई है उसकी जाँच के बाद ही फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाए और जो योग्य और जो डिजर्व करने वाले कैंडिडेट्स हैं वही सेलेक्ट हों। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रीट से संबंधित आने वाले अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।